पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में लागू सरकार की योजनाओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और पठन पाठन स्तर उन्नयन विषय पर प्रधानाचार्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आंजनेय कुमार सिंह कमिश्नर मुरादाबाद तथा अति विशिष्ट अतिथि शैलेंद्र कुमार सिंह जिलाधिकारी मुरादाबाद रहे। संगोष्ठी का आयोजन माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया। इस अवसर पर संगोष्ठी का संचालन जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुपमा शांडिल्य द्वारा किया गया। आयोजित संगोष्ठी में आए अतिथियों का सर्वोत्तम पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। साथ ही मुरादाबाद में माध्यमिक स्कूलों का परीक्षा फल सर्वोत्तम रहने पर आभार भी जताया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मुरादाबाद ने मंच से सभी प्रधानाचार्यों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाएं छात्र छात्राओं के हितों में चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं, जिसमें प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों के सहयोग की आवश्यकता रहती है। मुरादाबाद के परीक्षा फल को सर्वोत्तम बनाने के लिए सभी को एक साथ प्रयास करना होगा और स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों में आपको एकलव्य ढूंढ कर देने होंगे। तो वहीं मंच पर बोलते हुए कमिश्नर मुरादाबाद आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शिक्षा को सर्वोत्तम बनाने के लिए लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सभी का परम कर्तव्य बनता है कि हमें भी अपने विद्यालयों में एकलव्य और अर्जुन बनाने होंगे, जिससे कि शिक्षा का स्तर बढ़ सके। देखिए, विगत दिवस से माननीय मुख्यमंत्री जी जो हाई स्कूल इंटर की यूपी बोर्ड के छात्र हैं उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं। इस संवाद स्थापित करने के प्रक्रिया के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगा कि सरकार की तमाम योजनाएं जो विद्यालयों के लिए चलाई जा रही हैं, जो बच्चों के लिए चलाई जा रही हैं, बच्चों की जानकारी में नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से इस बात के निर्देश दिए गए कि प्रत्येक जनपद में जो विभिन्न विद्यालय हैं हमारे यूपी बोर्ड के, CBSE के, ICSE के, उनके प्रधानाचार्यों के, उनके शिक्षकों को बुला करके सरकार की सारी योजनाओं की उन्हें जानकारी दी जाए, जिससे उसका लाभ बच्चों तक पहुंच सके। इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि इस एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में या CBSE के एग्ज़ाम में, ICSE के एग्ज़ाम में कुछ विद्यालयों के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे रहे, कुछ विद्यालयों के परफॉर्मेंस उतने अच्छे नहीं रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि जिन विद्यालयों के परफॉर्मेंस अच्छे रहे, उन्होंने क्या ऐसा कुछ बेहतर किया कि जिससे उनके स्कूल के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आए, उसको अन्य विद्यालयों में भी लागू किया जाए, इसके लिए कार्य योजना तैयार किया जाए, जिससे कि विद्यालयों को उनको अनुभवों का लाभ मिल सके। इस बात के फीडबैक लिए कि जिन विद्यालयों ने बेहतर प्रदर्शन किया था उसके लिए उन्होंने क्या अलग कुछ किया था, उसके बारे में जानकारी साझा किया गया। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि अगर यूपी बोर्ड की हम बात देखें तो हाई स्कूल और इंटर दोनों में हमारा परीक्षा फल जो यूपी का औसत परीक्षा फल था उससे आगे है, और हाई स्कूल में हमारे यहाँ की बेटी ने सेकंड पोजीशन हासिल किया है, और इसी तरह से इंटरमीडिएट में फिफ्थ और टेंथ पोजीशन हमारे जिले से बच्चों ने हासिल किया है। तो उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, उनके परिवारजनों को बधाई और आप सभी लोग। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।